हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हमारे स्टूडियो चैनल आरबी लैब के आपका स्वागत है। दोस्तों आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसमें बहुत सारा चेंजिंग किया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है उसमें कि लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन कहाँ पे दिया गया है और उसमें जो स्टेटस है स्टेटस कैसे चेक करेंगे, अपना जो अपने अप्लाई किया हुआ है स्कॉलरशिप के लिए तो उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे और वहाँ पे अंदर में भी जो लॉगिन का जो अंदर जो आपका प्रोफाइल दिखता है वहां पे भी बहुत सारा चेंजिंग किया गया है, तो इसलिए स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। दोस्तों वही सारे कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं, आपको दिखाएंगे कि कहाँ से आप लॉगिन करेंगे, कहाँ से लॉगिन होगा, कैसे स्टेटस चेक होगा, ये सारा चीज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहें और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल में न्यू हो या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आपको ई कल्याण का जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर आना होगा। आप कोई भी ब्राउजर में टाइप करेंगे ई कल्याण तो यहाँ पे आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसका जो यूआरएल है वो चेंज नहीं किया गया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके आप इस वेबसाइट में आ सकते हैं। इस वेबसाइट में आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका होम पेज है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, थोड़ा डिजाइन वगैरह यहाँ पे चेंज किया गया है और यहाँ पे जो स्टूडेंट सर्विस, कॉलेज सर्विस और स्टूडेंट लॉगिन था वो तीनों यहाँ पे हटा के दोस्तों एक जगह पे कर दिया गया है। तो वो कहाँ दिया गया आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्विसेज का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पे ये तीनों ऐड कर दिया गया है। तो लॉगिन करने के लिए आपको इसी सर्विसेज में आना होगा। इस सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। अगर स्टूडेंट सर्विस देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट सर्विस यहाँ पे है, कॉलेज सर्विस देखना चाहते हैं तो कॉलेज सर्विस यहाँ पे है। तो लॉगिन करने के लिए आप स्टूडेंट लॉगिन या रजिस्ट्रेशन इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज यहाँ पे इसका भी थोड़ा डिजाइन चेंज किया गया है। बाकी लॉगिन विथ जो तीन जैसे तीन से लॉगिन होता था, लॉगिन स्टूडेंट नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे अभी भी दिया गया है, इसको चेंज नहीं किया गया। बाकी थोड़ा सा डिजाइन यहाँ पे चेंज किया गया, तो तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे आप। यहाँ पे अगर स्टूडेंट नाम सेलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट नाम और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं मोबाइल से भी यहाँ पे कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और पासवर्ड कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों अपना आईडी लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पहले यहाँ पे आपका नाम शो करता था प्रोफाइल नाम, तो यहाँ पे वो शो करेगा ही, इसको चेंजिंग नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पे जो नीचे का डिजाइन है ये चेंज किया गया है, ये डिटेल जो है ये भी शो करता था अभी भी ये शो कर रहा है, थोड़ा सा इसको साइड किया गया है और यह इंपोर्टेंट नोट्स जो है इसको ऊपर कर दिया गया, ये पहले नीचे शो करता था। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आता था बहुत सारा प्रिंट वगैरह स्टेटस वगैरह सारा चीज यहाँ पे नीचे शो करता था, वो सारा चीज यहाँ पे अभी शो नहीं करेगा, वो हटा दिया गया है और उसको एक जगह दूसरा ऊपर कर दिया गया, वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे नीचे सिर्फ आपको एक ही चीज दिखेगा कि आपने कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है, जैसे कि यहाँ पे रिन्यूअल पोस्ट मेट्रिक रिन्यूअल एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई किया गया है 21-22 के लिए, तो यहाँ दिखेगा और यहाँ साइड में आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है जो प्रिंट पेज है वो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वो प्रिंट होगा जो आपने फॉर्म फिलअप किया था। आपको स्टेटस कहाँ से देखें दोस्तों, स्टेटस देखने के लिए आप ऊपर आएंगे थोड़ा सा और यहाँ पे आप देखेंगे कि होम, चेंज पासवर्ड, अपडेट रजिस्टर मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, तो यहीं से आपको एप्लीकेशन का स्टेटस दिखेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे अब यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया, यहाँ पे जो पहले से जैसे जिस टाइप से यहाँ पे हम लोग चेक करते थे उसी तरह से यहाँ पे आपको चेक करना है। यहाँ पे अपना एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है दोस्तों 21-22, उसके बाद जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा, आपका जो फॉर्म का स्टेटस है वो यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आपका डिटेल्स रहेगा और यहाँ पे स्टेटस दिखेगा अप्रूव्ड बाय कॉलेज, अभी इसका दिख रहा है तो आपका भी यहाँ पे देख लेंगे कि आपका यहाँ पे क्या शो कर रहा है। अगर आपका जो डीए अगर पेंडिंग किया गया है तो डीए जो पेंडिंग करता है तो दोस्तों यहाँ पे वो रीजन भी लिख देता है कि किस लिए आपका पेंडिंग किया गया, और वो जो डीए ऑफिसर होता है वो 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है और 15 दिन के अंदर आप जो भी प्रॉब्लम है उसको फिर से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो आईडी में एडिट का ऑप्शन ओपन कर दिया जाता है, उसके बाद आप उसको चेंज करके फिर से सबमिट कर सकते हैं, आपका अप्रूव हो जाएगा। और अगर दोस्तों बहुत सारे किसी का होता है कि कॉलेज यहाँ पे अप्रूव नहीं रहता है, तो अगर कॉलेज आपका जो रिजेक्ट कर दिया गया है तो दोस्तों आप आगे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मेन जो होता है वो कॉलेज ही होता है, अगर कॉलेज अप्रूव कर दिया तो आगे आपको फॉरवर्ड होगा, अगर कॉलेज अप्रूव नहीं किया होगा तो आपका जो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सब था ई कल्याण स्कॉलरशिप वेबसाइट का जो ये जो चेंजिंग किया गया था वो अपने आपको दिखा दिया, स्टेटस कैसे चेक करना न्यू तरीके से वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ये प्रोसेस दोस्तों आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। आप क्रोम ब्राउजर का यूज करेंगे और उसमें जो एक आता है डेस्कटॉप मोड ऑन ऑफ, तो उसको आप ऑन कर लेंगे तो ज्यादा
आसानी होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो एक लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।